Hello, very good afternoon to all the listeners of Bias Vision. I'm Satakshi and I'm a clinical dietitian and practicing nutrition counselor. And today hum jis topic pe baat karne wale hain wo insulin aur diet therapy ki topic hai. To aaiye dekhte hain is topic mein hum kuch cheeze, kuch points ko discuss karte hain. Diabetes ek bahut hi common word hai. Aaj ke time mein हर व्यक्ति को पता है डायबिटीज़ क्या है. मधुमेह, शुगर, इतने सारे लोगों को डायबिटीज़ होता है. अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ हैविंग डायबिटीज़ एंड इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो शुगर के बारे में जैसा कि हम बहुत जगह पढ़ते हैं, कई जगह पे इतने कैंप्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये बताया जाता है कि शुगर क्या है. मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे लिसनर्स को शुगर के बारे में पता ही होगा कि डायबिटीज़ क्या है, पर फिर भी मैं एक शॉर्ट इंट्रो आप लोगों को देना चाहती हूँ कि शुगर क्या है. शुगर कोई भी अन्यत्र बीमारी नहीं है जो हमारे शरीर में अपने आप से हो जाती है. हम सबके शरीर में शक्करा या शुगर की एक मात्रा होती है. जब हम इस मात्रा को सही से बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो इसका हाइपर सिक्रीशन या हाइपोसिक्रीशन, हाइपर का मतलब बढ़ता हुआ सिक्रीशन या हाइपोसिक्रीशन मतलब कम होता हुआ सिक्रीशन, इन दोनों सिक्रीशंस को जब हम लेते हैं तो कभी हमारी बॉडी में शुगर बढ़ गया तो वो हो गया हाइपरग्लाइसीमिया, या हमारी बॉडी में ब्लड शुगर कम हो गया तो हो गया हाइपोग्लाइसीमिया. इन दोनों चीज़ों से जो कंडीशन, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर प्रोड्यूस हुआ बॉडी में, उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं. तो डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ दो तरीके के मेन डिफ़ाइन किए जाते हैं कि एक डायबिटीज़ ऐसा है जो हमारे शरीर में इंसुलिन या वो हार्मोन जिससे हमारा शुगर लेवल कंट्रोल होता है उसके कम पैदा होने या कम निकलने या कम सिक्रीशन की वजह से शुगर लेवल हमारा बढ़ा, इसलिए हमें डायबिटीज़ हुई. इसको हम बोलते हैं इसीलिए IDDM या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, क्योंकि ये इंसुलिन के सिक्रीशन पे डिपेंड करता है. इसी तरह से एक हमारे शुगर होती है जो इंसुलिन पे नहीं डिपेंड करती है, कि नहीं व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन तो पूरा हो रहा है, इंसुलिन का सिक्रीशन भी हो रहा है, पर कुछ कारणों की वजह से वो इंसुलिन जो है वो जा कर के अपना कार्य पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे NIDDM, मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस. तो आज मैं जो दो भाग में, आज के पूरे सोसाइटी में सभी जानते हैं कि शुगर के दो पार्ट्स हैं, दैट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस. नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता होंगी कि ओबेसिटी या मोटापा या वेट गेन एक बेसिक फैक्टर है शुगर का, जो कि इंसुलिन पर डिपेंड ना करके डिपेंड करता है कि इंसुलिन का एक्शन पूरी तरह नहीं हो पा रहा है. आज मैं आप लोगों को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि इसमें आप किस तरह से डाइट को मेंटेन करें, कैसे कैलोरीज़ का यूज़ करें, और किस तरह से किसी भी पेशेंट जो इंसुलिन का यूज़ करते हैं उनका किस तरह से कैलोरीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. तो इंसुलिन के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको. इंसुलिन वो हार्मोन है जो लिवर के पेनक्रियास सेक्टर के बीटा सेल्स से, या बीटा सेल्स या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस हम बोलते हैं, वहाँ से सिक्रीट होती है. दो तरीके की हार्मोन्स होती हैं, एक होती है अल्फा सेल और दूसरी होती है बीटा सेल्स. अल्फा सेल से जो हार्मोन सिक्रीट होती है उसे हम कहते हैं ग्लूकागॉन, जो ग्लूकागॉन आप शब्द से ही समझ सकते हैं ग्लूकोज या ग्लूकागॉन, जो शुगर को बढ़ाए, और बीटा सेल से होती है इंसुलिन जो शुगर की मात्रा को कम करे. तो हमारे शरीर में जब बीटा सेल्स की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे शरीर में इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो पाता है, इसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं. इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कई तरीके के किसी भी जनरेशन में हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर बच्चों में और किशोरावस्था में ज़्यादा देखी गई है. इसे हम जब बच्चों के उसमें होती है तो इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, या बुढ़ापे या इस तरीके के शरीर में होती है इस उम्र में तो इसको हम बोलेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़. जिस तरह से एज ग्रुप डिफाइंड होते हैं उसी तरीके से अलग अलग डायबिटीज़ का नाम भी दिया जा सकता है. तो इंसुलिन, जैसे कि आपको ये डॉक्टर ने बताया कि आपका ये डिटेक्ट हुआ आपके बायोकेमिकल पैरामीटर्स से, ब्लड शुगर आपका टेस्ट हुआ और उसमें ये पता चला कि आपको शुगर है,
ये चीज डिफाइन हो गई, डॉक्टर ने आपसे बोला कि आपको शुगर है, अब डॉक्टर ने आपको ये बताया है कि आपको इंसुलिन लेना है। इंसुलिन तीन तरीके के एक्चुअली होते हैं, एक होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, एक होता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, और तीसरा होता है इंटरमीडिएट इंसुलिन। तो शॉर्ट एक्टिंग जैसे कि नाम से पता है, जो कम समय के लिए, जो शरीर में आकर के कम समय के लिए अपना कार्य करते हैं, जो कुछ समय की इंसुलिन के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं, उसको हम बोलेंगे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। जो इंटरमीडिएट है, मतलब वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं है और बहुत कम समय के लिए नहीं है, कुछ अल्प समय के लिए होते हैं, उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट इंसुलिन। और लॉन्ग एक्टिंग क्या होते हैं? लॉन्ग एक्टिंग ऐसे इंसुलिन होते हैं जो लंबे कार्यकाल के लिए होते हैं, या अपना कार्य लंबे समय तक करते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब आप इस तरह से इंसुलिन लेते हैं कि शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, या इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, तो आप उसके साथ अपनी कैलोरीज को कैसे डिफाइन या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग। तो इसके लिए आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जैसे डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपको इंसुलिन लेना है, या उन्होंने अभी बोला है कि आपको किसी भी तरीके की शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लेनी है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का मतलब थोड़े थोड़े समय पे लेना है। तो जैसे कि शुगर के पेशेंट को हम ये भी बताते हैं कि एक साथ भोजन ना करके भोजन के 4 से 5 भाग को डिवाइड करते हैं, मतलब एक बार भोजन एक साथ ना लेकर के हम 5 बार थोड़ा थोड़ा भोजन लें। तो अगर हम इंसुलिन लेते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, तो उसमें हम जो मील्स को डिवाइड करते हैं, पहला जैसा कि हम नाश्ता करते हैं ब्रेकफास्ट, दूसरा होता है नून, मतलब दोपहर का, जो कि दोपहर का खाना नहीं, दोपहर के खाने के पहले, उसके बाद मिड आफ्टरनून, दोपहर के खाने के बाद जो शाम और दोपहर के बीच में आता है, चौथा आता है इवनिंग जो शाम के समय, और पांचवा आता है बेड टाइम सोने के पहले। इन 5 समय में ही मेजरली इंसुलिन का यूज़ किया जाता है। तो यदि आपको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन या कम समय या ऐसी इंसुलिन जो आपको नाश्ते के पहले और रात के खाने से पहले लेनी है, डॉक्टर ने बोला है कि आपको नाश्ते के पहले और रात के खाने के पहले इंसुलिन को यूज़ करना है, तो ऐसे इंसुलिन को आप किस तरीके से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए कि अगर प्रति व्यक्ति या आप कैलोरीज ले रहे हैं 2000 कैलोरीज, तो मैं उन्हीं 2000 कैलोरीज को किस तरह से डिवाइड किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। पहला है कि जैसे अगर हम नाश्ते के समय 2000 कैलोरी ले रहे हैं, 2000 कैलोरी का पूरा हम पूरे दिन का प्लान ले रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट में शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के साथ हम कितनी कैलोरीज लेंगे? 2/5 ऑफ द 2/5 हिस्सा 2000 का जितना है, मतलब कि 800 कैलोरी, 800 कैलोरी ही हमें अपने नाश्ते के समय लेनी है, मतलब शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। अगर डॉक्टर ने हमसे बोला है कि आपको नाश्ते के पहले आपको इंसुलिन लेना है, तो नाश्ते के समय की आपकी कैलोरीज कितनी होगी? 800 कैलोरीज। 800 कैलोरीज आप कैसे इस चीज़ को समझेंगे? नॉर्मल से किसी भी, अगर हम रोटी सब्जी या दाल लेते हैं तो वो 100 के बराबर होता है, 100 कैलोरीज के बराबर होता है, 20 से 30 ग्राम। तो अगर आप डिफाइन करते हैं इसके कि 20 ग्राम या लिया, या हमने 20 ग्राम से 40 ग्राम, आप नॉर्मल कटोरी ले सकते हैं 150 ग्राम की, तो 150 ग्राम के हिसाब से अगर 500 कैलोरीज एक बार में होगी, तो 150 ग्राम मतलब 150 ग्राम आपको एक कटोरी नाश्ता उससे ज़्यादा नहीं लेना है, तो आप उससे क्या करेंगे? 800 कैलोरीज पूरी कर सकते हैं। तो इंसुलिन अगर आपकी शॉर्ट एक्टिंग है, तो उसका हिस्सा आप 800 कैलोरीज से ज़्यादा नहीं लेंगे, या 2/5 ऑफ द टोटल कैलोरीज जो हैं वो हमारे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के लिए ब्रेकफास्ट के समय जानी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको ये डिफ़ाइन किया है, इसी तरीके से आप अपने कैलोरीज को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इतना हिस्सा, इतनी चौथाई या इतना हिस्सा हम नॉर्मल कैलोरीज का अपने मील के इस पोर्शन में लेंगे। तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के लिए ब्रेकफास्ट में 2/5 ऑफ द टोटल कैलोरीज हमें लेनी चाहिए, माने कि 2000 अगर कैलोरीज हम ले रहे हैं, तो पूरे दिन में 800 कैलोरीज ही हमारी नाश्ते के साथ जानी चाहिए। जैसे 2/5 हमने लिया, उसी तरह से नून में हम 1/5 ऑफ द टोटल कैलोरीज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के साथ लेंगे। 1/5 मतलब कि 400 कैलोरी, उसके जस्ट फोर्थ पार्ट,
उसका चौथाई भाग ही हम लेंगे। तो 800 कैलोरीज अगर हमने नाश्ते में ले ली है तो हम 400 कैलोरी ही लेंगे अपने नून में, जो नाश्ते के पहले। इसके बाद आता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में मिड आफ्टरनून। मिड आफ्टरनून में आपको कुछ नहीं लेना है फिर। जैसे आप इंसुलिन, आपको डॉक्टर ने बताया शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, तो आपने दो पाँचवा हिस्सा, 2/5 हिस्सा आपने नाश्ते में ले लिया है, 1/5 हिस्सा आपने नून में ले लिया है, तो आपको नाश्ते के खाने के बाद नहीं लेना है कुछ भी। फिर आपको शाम के समय लेना है, शाम के समय भी आप 2/5 ऑफ द टोटल कैलोरीज ही लेंगे, और बेड टाइम के समय आपको कुछ नहीं लेना है। तो आप मेरी बात इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन ऐसी बताई गई है जो बेड टाइम के पहले या बिफोर ब्रेकफास्ट आपको लेनी है, तो आपको कैलोरीज को किस तरह से डिफाइन करना है, 2/5, 1/5, उसके बाद कुछ भी नहीं, फिर इवनिंग में 2/5 एंड बेड टाइम में कुछ भी नहीं। दीज आर द कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन फॉर द इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस पेशेंट्स। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज़, अगर आपका इंटरमीडिएट इंसुलिन आपको दिया गया है, इंटरमीडिएट मतलब बहुत कम समय के लिए नहीं, बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं, डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं कि इंटरमीडिएट की हमें अगर इंसुलिन दी गई है तो हम किस तरह से इसको लेना है। तो 5 भाग में अगर हम इस मील को भी डिफाइन करते हैं तो हम अपने बॉडी की टोटल कैलोरीज अगर 2000 लेते हैं तो ब्रेकफास्ट में 1/7 ऑफ द टोटल कैलोरीज ही हमें लेनी है। मतलब 2000 का अगर हम 1/7 पोर्शन लेंगे तो 285, दैट इज़ अराउंड 300 कैलोरीज, 300 कैलोरी ही हमें लेनी है, क्योंकि हमारा इंसुलिन इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट इंसुलिन का मतलब होता है कि हम बॉडी में जितना इंसुलिन ले रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि तुरंत काम कर जाएगा। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन क्या है, वो तुरंत काम करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देर में काम करते हैं, और इंटरमीडिएट धीरे धीरे कार्य करते हैं। तो जितना ज़्यादा हम खाना लेंगे उतना समय इंसुलिन का डोज हमारा बढ़ेगा, अगर हम कैलोरीज को कम कर देंगे तो इंसुलिन का डोज भी कम होता जाएगा। तो इंटरमीडिएट इंसुलिन अगर हमने लिया तो 300 कैलोरी ही हमको अपने नाश्ते में लेनी है, 1/7 ऑफ द टोटल कैलोरीज टू बी टेकन इन द ब्रेकफास्ट पोर्शन ऑफ द इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस पेशेंट्स डाइट। नाउ द सेकेंड इज 1/7 पोर्शन ब्रेकफास्ट, तो नून में आप 2/7 पोर्शन, दैट इज अगर 2/7 पोर्शन 2000 कैलोरीज का लेते हैं तो वो 500 कैलोरी के बराबर है। मतलब 300 कैलोरी आपने अगर नाश्ते में ली है तो 500 कैलोरी आपको नून में लेनी होगी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप ले सकते हैं। इंटरमीडिएट में हम इसी तरह से अल्टरनेट करते हैं कि 1/7 ब्रेकफास्ट, 2/7 नून, 1/7 मिड आफ्टरनून, 2/7 इवनिंग एंड 1/7 इज बेड टाइम। तो अल्टरनेट पोर्शंस में 2/7, 1/7, 2/7, 1/7 एंड 2/7, 1/7, इसी तरीके से हमको इंटरमीडिएट इंसुलिन लेते वक्त अपनी कैलोरीज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब तीसरी चीज़ आती है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, या जिसको बोलते हैं जो रेगुलर इंसुलिन लेते हैं ब्रेकफास्ट के समय, ऐसे भी बोला जाता है। ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन चलता है ब्रेकफास्ट के समय, उनको लेना ही लेना है। वो किस तरह से अपनी कैलोरीज को डिफाइन करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जो पेशेंट उनको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन चलती है उनको 1/3 ऑफ द टोटल कैलोरीज, 2000 का 1/3 मतलब 600 कैलोरी ही पेशेंट को अपने ब्रेकफास्ट में लेनी है, 600 कैलोरी नून में लेनी है, फिर उसको कोई कैलोरीज मिड आफ्टरनून में नहीं लेनी है, फिर उसको 600 कैलोरी अपने इवनिंग लेनी है, और उसको बेड टाइम में कोई कैलोरीज नहीं लेनी है। तो इसको हम इस तरह से कहते हैं क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ज़्यादा समय लेते हैं किसी भी फूड पे कार्य करने के लिए, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कम कम कैलोरीज का एक ही समान चलता है पूरे दिन में, 1/3, 1/3, 1/3, 3 पोर्शन में हमने डिवाइड कर दिया, 1/3, 1/3, 1/3। तो अगर हम कैलोरीज, ये जो मैंने कैलोरीज का लिया 2000 कैलोरीज, ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण लिया है। आपका कैलोरीज का डाइट चार्ट अगर आप बनवाते हैं या किसी भी डाइटिशियन से कंसर्न करके आप अपना डाइट चार्ट बनवाते हैं तो आप उसमें अपनी कैलोरीज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि अगर मेरे पूरे दिन में 2000 कैलोरी या 2500 कैलोरी है तो उसका कितना पोर्शन मुझे इंसुलिन के साथ लेना है। सो दिस इज़ अबाउट ये 3 तरीके के इंसुलिन को किस तरह से लेना है,
किस तरीके से मील डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरह से कैलोरीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको मैंने बताने का प्रयास किया है। इसकी और जानकारी कि इसको किस तरह से लेना है, इसका क्या मील डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या सोर्सेज इसमें आते हैं, कौन से फूड में कितनी कैलोरीज होती है, इस चीज़ को आप जानने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप पायस विजन की साइट पर जा करके मुझसे पर्सनली चैट कर सकते हैं। मैं आपको आपका प्रॉपर डाइट प्लान, किस तरीके के इंसुलिन के साथ लेना है, कितना पोर्शन किस अमाउंट में लेना है, वो आपको मैं प्रॉपर आपका डायग्नोज देख करके, ब्लड शुगर लेवल्स और इंसुलिन का लेवल देख करके मैं आपको बता सकती हूँ। इसके अलावा कोई भी सवाल जो आपका रिलेटेड मेरे इस टॉपिक से हो, आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में उन कमेंट्स को डाल सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रही है, वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।